जय जिनेंद्र, आज हम आपको एक सेठ जी की कहानी सुनाएंगे। उनका नाम था जिनेंद्र भक्त। जैसे उनका नाम था वैसा ही उनका काम, यानी कि वो बहुत ही लर्नड पर्सन थे। उन्होंने बड़े बड़े जिन मंदिर बनवाए, बहुत से जिन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, यानी कि उनको ठीक करवाया। मुनिराज और व्रतियों की बहुत रिस्पेक्ट करते थे और आहार दान देकर उनकी सेवा भी करते थे। वो एक बड़े से 7 स्टोरी पैलेस में रहते थे। उन्होंने 7th फ्लोर पर बहुत ही सुंदर चैताल्य बनाया हुआ था और वहाँ पर 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की बहुत अट्रैक्टिव रत्नमयी प्रतिमा विराजमान थी। उस प्रतिमा के ऊपर जो छत्र था ना, उस पर भी बहुत सारे जेमस्टोन्स यानी कि रत्न लगे हुए थे और उनमें जो लगा हुआ था वो था एक बहुत ही प्रेशियस जेमस्टोन वैडूर्य मणि। उसकी चमक को देखकर सब चकित रह जाते थे। एक सुवीर नाम का चोर था, वो इस रत्न को, इस जेमस्टोन को चुराना चाहता था। उसने अपने साथी चोरों से पूछा कि इस अनमोल जेम की चोरी कौन कर सकता है। तो उसके एक साथी जिसका नाम था सूर्या, उसने बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहा, मैं उस छत्र पर लगा हुआ जेम तो इजीली चुरा सकता हूँ, अब उस चैताल्य में कैसे पहुँचा जाए। तो सूर्य चोर ने एक प्लान बनाया। उसने एक क्षुल्लक महाराज का वेश बना लिया। क्षुल्लक जी का मतलब तो जानते हो ना, हमने आपको चतुर्विध संघ के वीडियो में बताया था। सूर्य चोर बहुत ही अच्छा अच्छा बोलता था, इसलिए उसने अपनी मीठी मीठी बातों से सबको प्रभावित करना शुरू कर दिया, इम्प्रेस करना शुरू कर दिया। गांव गांव में घूमकर उपदेश देना शुरू कर दिया। खूब व्रत उपवास भी करने लगा, जिससे जल्दी ही वो फेमस हो गया। अब हमारे सेठ जी को भी उनके बारे में पता चला। अब सेठ जी तो साधुओं की बहुत रिस्पेक्ट करते थे और आहार दान भी बहुत करते थे, तो वो भी बहुत भक्ति भाव से क्षुल्लक जी के पास वंदना करने पहुंच गए। व्रत उपवास आदि से उस चोर की बॉडी तो बहुत वीक हो गई थी, तो क्षुल्लक जी की सेवा करने के लिए सेठ जी ने बहुत ही रिस्पेक्ट से, आदर से उनको अपने चैत्यालय में लेकर आया। वहाँ छत्र पर शाइनिंग जेम को देखकर तो चोर मन ही मन बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, सही समय आने पर इसको मैं चुरा लूँगा। कोइंसिडेंटली थोड़े ही दिन के बाद सेठ जी को अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम करने के लिए बाहर जाना पड़ा। तो क्षुल्लक जी पर श्रद्धा और विश्वास होने से चैत्यालय की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने किसको दे दी? सूर्य चोर को, जो कि क्षुल्लक बने हुए थे। इससे तो उस सूर्य चोर का काम और इजी हो गया। सही मौका देखकर उसने जेम चुरा लिया और रात होते ही भाग निकला। उस जेम की शाइन किसी से छुप नहीं सकती थी। सबको पता लग गया कि मंदिर से रत्न चोरी हो गया है। जेम की चमक को देखकर कोतवाल उसे चेज करने लगे। सेठ जी भी अभी ज़्यादा दूर नहीं गए थे। कोइंसिडेंटली भागते भागते सूर्य चोर नगर के बाहर सेठ जी के ही कक्ष में पहुंच गए। सेठ जी को देखते ही वो शर्म के मारे पानी पानी होने लगे और एम्बेरस हो गए और सेठ जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। थोड़ी ही देर में कोतवाल भी भागते हुए वहां पहुंचे। कोतवाल को देखते ही सेठ जी बात को समझ गए और सूर्य चोर को बोले, अरे तुमने किसी को बताया तो नहीं कि ये जेम मैंने ही मंगवाया था तुमसे? सब ठीक है ना? ऐसा सोचकर कोतवाल उन क्षुल्लक को प्रणाम कर चले गए। इसके बाद सेठ जी ने क्षुल्लक को खूब डांटा और कहा, पापी, तू धर्मात्मा का वेश बनाकर ऐसा पाप क्यों कर रहा है? तू इससे नरकों में जाएगा। और सेठ जी ने वो रत्न लेकर उसे भगा दिया। आपको पता है कि सेठ जी ने ऐसा क्यों किया? सूर्य चोर ने तो गलत काम किया था, तो उसे तो वो कोतवाल से पकड़वा भी सकते थे, तो सेठ जी ने उसे बचाया क्यों? क्योंकि यदि सेठ जी उस क्षुल्लक की चोरी को नहीं छिपाते तो सभी लोग साधुओं की हंसी उड़ाने लग जाते। इसीलिए किसी धर्मात्मा के दोषों को हमें पब्लिकली नहीं बताना चाहिए, बल्कि अकेले अकेले में ही उनको बताना चाहिए।
इसी को कहते हैं सम्यक दर्शन का उपगुहन अंग। जय जिनेन्द्र।